हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खनन और DMFT के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा माइन लीज की जानकारी एवं साथ में आपके क्षेत्र में हो रहे खनन एवं DMFT की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, ये है वीडियो संसूचना पोर्टल का वीडियो नंबर 19 और इस वीडियो में हम खनन और DMFT के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हर बार की तरह आपसे इस बार भी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन पर क्लिक कर लेना है ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपको आ जाना है अपने ब्राउजर पर और ब्राउजर पर आने के बाद आपको ये वाला URL टाइप कर लेना है। दोस्तों, मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहाँ पर खनन एवं DMFT के बारे में एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली दोस्तों, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अपने खनन के बारे में जाने, दूसरा अपने क्षेत्र की खनन के बारे में सूचना प्राप्त करे, तीसरा अपने DMFT के बारे में सूचना प्राप्त करे। दोस्तों, एक एक करके हम तीनों के बारे में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने खनन के बारे में जाने वाले ऑप्शन के बारे में। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना माइन लीज नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर हम अपना माइन लीज नंबर दर्ज कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अपना माइन लीज नंबर नहीं है तो आपको वो कैसे निकालना है इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर ये नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर खोजे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से जानकारी निकल कर आ जाती हैं। आपको यहाँ पर अधिक जानकारी वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके माइन लीज से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर पट्टा ID, पट्टा नंबर, पट्टा धारक का नाम, खनन पट्टे का कार्यालय और यहाँ पर कई इम्पोर्टेंट जानकारी आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पर पट्टे की समझौते की तारीख, पंजीकरण की दिनांक, पट्टे की समाप्ति समेत कई सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर जो खान का प्रकार है वो कौन सा है, यहाँ पर पट्टे का GIS प्रतिनिधि भी आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप भूमि का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से। दोस्तों, इस प्रकार की कई सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं एक छोटे से नंबर से और इस वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्षेत्र के खनन के बारे में सूचना प्राप्त करने वाले ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके ज़िले की एक लिस्ट आ जाती है। दोस्तों, आपको सिंपली अपना यहाँ पर ज़िला चूज कर लेना है। इसके बाद आपके ज़िले में जितने भी खनन के खाने हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे पट्टेधारक का यहाँ पर नाम आ रहा है और यहाँ पर किन किन ने यहाँ पर लीज पे ली हुई है खाने, उन सभी का नाम आपको यहाँ पर शो कर देगा। और दोस्तों, आप इस माध्यम से अपना यहाँ से लीज नंबर भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपको अधिक जानकारी वाले बटन पर क्लिक कर देना है और पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाती है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप अपना माइन लीज नंबर से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, उत्पादन रिपोर्ट, भुगतान रिपोर्ट और यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी की भी आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने खनन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने DMFT के बारे में सूचना प्राप्त करने वाले ऑप्शन के बारे में। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी ज़िलों की लिस्ट आ जाती है, तो आपको अपने ज़िले का चयन कर लेना है और यहाँ पर अधिक जानकारी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है। तो आपको अपने संबंधित प्रोजेक्ट का यहाँ पर विवरण देखना है तो आपको यहाँ पर अधिक जानकारी वाले बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सारी की सारी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ जाती है और यहाँ पर आप अनुमानित लागत, मंजूरी की दिनांक और परियोजना की स्थिति सभी की जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन पर क्लिक कर देना। आपको खनन और DMFT से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में पूछना होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।